नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टीवी सीरियल तो से नैना मिलाई के आगे आने वाले दृश्य में हम लोग एक ऐसे सीन को देखने वाले हैं जिसे देख बहुतों का कलेजा फट जाने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुहू और राजीव अपनी घर से बहुत दूर हनीमून के लिए साथ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही अचानक राजीव को एक ऐसी सुगंध मिलती है जिसे सूंघ राजीव को नींद जैसा आने लगता है। तभी सामने से आ रही सिंगल लेन वाली सड़क पर ट्रक राजीव की कार से टकरा जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, राजीव और कुहू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। राजीव की हालत में सुधार होते ही वो कुहू को खोज करने निकल पड़ता है, मगर कुहू दिखाई नहीं देती। इतने में पूरा परिवार राजीव की इस कार एक्सीडेंट की खबर और उसकी कार को देख आनन फानन में जाता है, जहां उनका कार एक्सीडेंट हुआ होता है। दोस्तों, ये सब चाल विराज की माँ का होता है। सूंघते ही बेहोश हो जाने वाली दवा राजीव के उसी कार में उसकी माँ ने छिड़का होता है, जिस कार से राजीव और कुहू हनीमून पर जाने वाले थे। दोस्तों, रास्ते में हुए एक्सीडेंट के कारण कुहू का कोई अता पता नहीं चलता। राजीव तो अपने परिवार से मिल जाता है, लेकिन कुहू का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। संजीव अपनी भाभी यानी कुहू को बचाने के लिए खाई में भी जाने वाला था, जो कि उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। दोस्तों, राजीव और कुहू के पीछे पड़ी हुई विराज की माँ कुहू के होते हुए राजीव को वो कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है, क्योंकि कुहू राजीव के लिए उसके गले में लटकी एक सुरक्षा कवच है। राजीव अब समझ जाने वाला है, जरूर उसके पीछे कोई अजीब शक्ति पड़ी हुई है जो उसका जान लेना चाहती है। दोस्तों, राजीव को कुहू इस मुसीबत से बचाने के लिए ही हनीमून पर ले जाती है, लेकिन किसे पता था शीतेश्वरी देवी पहले से ही इतना बड़ा घटिया चाल चल चुकी होगी। दोस्तों, चंदेल परिवार पर हो रहे अचानक इतने जल्दी जल्दी हमले को देखते हुए अब सभी परिवार के लोग अपना चंदेल भवन को छोड़ अपने पुराने गाँव जाने वाले हैं, जहाँ कुछ समय तक अपना जीवन यापन वे लोग करने वाले हैं।